गुणों को इसमें आज मैं व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रही हूँ। विराम चिन्ह क्या है? तो इसमें व्याकरण में विराम चिन्ह का प्रयोग करके ही हम लोग वाक्यों या अनुच्छेद लिखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अनेक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और सार्थक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं और वाक्य के बाद हम लोग पद, पदबंध या अनुच्छेद बनाकर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विराम चिन्ह है क्या, और विराम चिन्ह में अनेक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर मैं 12 चिन्ह बताने जा रही हूँ, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक, विवरण चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि इन चिन्हों को हम लोग कोई अनुच्छेद लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें किस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उन चिन्हों का प्रयोग किस तरह से और सही जगह पर कहाँ करना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम का चिन्ह जो है वह किस तरह से जो है यह किया जाता है। पूर्ण विराम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये पूर्ण विराम चिन्ह होता है। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग जब वाक्य, एक वाक्य पूरी हो जाती है, एक पूरा वाक्य जब इस तरह से खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उस समय पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग होता है। पूर्ण विराम में हम लोग एक इस तरह से जो है ये लाइन खींचते हैं। अब दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम करने का मतलब, अर्ध मतलब आधा और विराम मतलब रुकना, थोड़ा रुकना। जैसे कि पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से वो वाक्य खत्म हो गया तो हमें वहां पर रुकना है। अब दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम में हमें बस कॉमा भी इसको बोलते हैं, तो अर्ध विराम कहने का मतलब थोड़ा सा रुकना है। जैसे दो तीन नाम किसी का लिख रहे हैं, या हम लोग कोई बात एक वाक्य में जो है दो तीन बातें कहना चाह रहे हैं, तो हम लोग वहां पर कॉमा का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा रुक रुक कर उसे बोलना होगा। जैसे मान ले कि रमेश, मोहन और श्याम बाजार जा रहे हैं, तो रमेश और मोहन के बीच में अर्ध विराम का प्रयोग होगा। रमेश, मोहन और जो है कोई जो है वह बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन का प्रयोग होगा, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। अब है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग हम लोग कोई वाक्य है और कोई पूरा वाक्य करना है हमें, और उसके पहले ही हमें जो है ये अर्ध विराम के बाद और पूर्ण विराम के पहले जो है हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कोई वाक्य पूरी होने वाली होती है, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्ध विराम का प्रयोग कर रहे हैं। तो पूर्ण विराम जो है वह क्या है, वह पूर्ण विराम जो है फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं। तो पूर्ण विराम के पहले और अर्ध विराम के बाद में हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, इसे सेमी कॉलन भी कहते हैं। उसके बाद अब आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो है, यह हम लोग जिन वाक्यों में हम लोगों को प्रश्न पूछने का पता चलता है, जैसे कोई वाक्य है उसमें हम लोगों को क्या करना है, प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसा कि कोई वाक्य ले ले और उसमें प्रश्न की, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, तो उसका ये चिन्ह जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम लोग जहाँ पर हमें खुशी, प्रसन्नता दिखाना है, दुख दिखाना है, या बहुत ही उत्साहित होकर जो है उन बातों को उसमें हम कह रहे हैं, तो विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये एक लाइन है और एक डॉट है, तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा लंबा और इस तरह से होता है। निर्देशक कहने का मतलब इसके बाद ये लाइन खींचते हैं और उसके बाद बहुत सारे बातें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग करते हैं, तो ये हो जाता है निर्देशक चिन्ह जो है, ये इस तरह से इसका चिन्ह हो जाता है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह जिसे हम लोग
इनवर्टेड कॉमा भी कहते हैं। यह दो तरह का होता है, यह एक सिंगल और यह एक डबल। डबल डबल से भी ये इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग, उद्धरण चिन्ह डबल या जो है दोहरा और इकहरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग दूसरे के द्वारा कही गई बातों को जैसे कि तैसे हम लोग वहां रखते हैं। कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं और तीसरे द्वारा कही गई बातों को हमें जैसे के तैसे उसे उसमें लिखना होता है, तब हम लोग उद्धरण चिन्ह और वह भी दोहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यदि हमें कोई पुस्तक, कोई किताब या किसी कवि का नाम, किसी लेखक का नाम हमें यदि वाक्य में लिखना है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करके और वह इकहरे उदाहरण का चिन्ह का प्रयोग करके और तब हम लोग लिखते हैं। उसके बाद आता है अब योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब जोड़। योजक चिन्ह कहने का मतलब है जोड़। मान लो जैसे हम लोग जैसे तैसे, यहाँ वहाँ, कभी कभी, ये सभी जो है दो शब्दों के बीच जब हम जोड़ने का काम करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इस तरह से है, ये मान लो हमें पंडित लिखना है, पंडित लिखना है तो पंडित ऐसे ऊपर बिंदी लगाकर और नीचे यहाँ गोल कर दिए तो इसका अर्थ हम लोग समझेंगे कि यह पंडित हो गया। उसी तरह से डॉक्टर हो गया तो ये हो गया लाघव चिन्ह। तो ये सभी शब्द जो है लाघव चिन्ह जो है यह चिन्ह इस तरह से होता है और ये प्रयोग इस तरह से। अब है आगे दसवां कोष्ठक। कोष्ठक कहने का मतलब इस तरह से, या ब्रैकेट को हम लोग कोष्ठक कहते हैं। तो ब्रैकेट में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, यदि जैसे हमें यहाँ विराम चिन्ह नंबर वन दे दे और यहाँ पर उसी का भाग यहाँ पर नंबर क ख ऐसे कर दिए तो इसे हम कोष्ठक में लिखेंगे ताकि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सीरियल नंबर उसे क्लियर करने के लिए, उसे एकदम साफ साफ समझने के लिए कि हाँ इसी का भाग इसी में बताया जा रहा है और यह पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यह जो है इस तरह